नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे गौरी वंश से संबंधित घटनाएं कि गौरी वंश के शासकों ने किस प्रकार से हमारे देश भारत पर आक्रमण किया था और यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गौरी वंश के बारे में शुरू करते हैं। क्या गौरी वंश, और ये समझ लीजिए गौरी वंश अस्तित्व में किस प्रकार आया भाई, गौरी वंश का उदय किस प्रकार हुआ, हमें वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार प्राचीन भारत में हमेशा किसी न किसी राजा के जो दूसरे राजा नए राजवंश उदय होते थे वो समंत होते थे। अब समंत होते थे तो उसी प्रकार जब समंत होते थे, जब राजा की शक्ति कमजोर होती थी तो दूसरे वो उसी शक्ति का फायदा उठाते थे और अपना नया राजवंश शुरू करते थे। उसी प्रकार जो गौरी राजवंश है, सॉरी गौरी वंश है, वो गजनबियों के अधीन था। कभी गजनबियों के अधीन था। अधीन का मतलब जो मेरा है वो ये कि महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद, महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद गजनी का जो क्षेत्र है उसमें उथल पुथल शुरू हो जाती है। उसी साम्राज्य को हासिल करने के लिए, क्यों, महमूद गजनबी की मृत्यु होने के बाद में जब उसका शासक नहीं होता तो तब उस साम्राज्य पर अपना अपना अधिकार करने के लिए जो दूसरे राजवंश के योद्धा हैं वो हमला करते हैं। उनमें से एक जो हमलावर था वो ये अलाउद्दीन हुसैन ने महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी पे अधिकार करने के लिए गजनी पर आक्रमण करता है। गौर क्षेत्र था जिसे में गजनी और गौर, इस पे आक्रमण करता है और सात दिनों तक इस साम्राज्य को जलाता है। उस क्षेत्र में ये आग लगा देते हैं अलाउद्दीन हुसैन जी। 7 दिनों तक उस क्षेत्र को जलाते हैं और इसके बाद में जहां सोज की उपाधि किसकी थी, अलाउद्दीन हुसैन की, यानी विश्व को जलाने वाले की उपाधि अलाउद्दीन हुसैन जी धारण करते हैं। इसके बाद में गयासुद्दीन मोहम्मद ने तुर्कमान गुजों से गजनी का क्षेत्र छीन लिया। महमूद गजनवी के बाद में अलाउद्दीन हुसैन हमला करते हैं और उस क्षेत्र को 7 दिनों तक जलाते हैं, इस साम्राज्य को। इसी चीज का फायदा उठाकर गयासुद्दीन मोहम्मद तुर्कमान गुजो जो है, यानी गजनी के एक क्षेत्र पर इसका भी अधिकार था, ये क्या करते हैं, इस पर ये आक्रमण करते हैं और इससे गजनी के क्षेत्र को छीन लेते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, ये वहां पर अपने छोटे भाई, इनका छोटा भाई कौन था, सयाबुद्दीन मोहम्मद को ये गजनी का शासक बनाते हैं, जिस क्षेत्र को ये तुर्कमान गुजों से छीन लेते हैं, उनको ये शासक बनाते हैं। अब उनका नाम क्या था इतिहास में, सयाबुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या था, मोइनुद्दीन मोहम्मद साम। क्या नाम था, यानी एक नाम तो इनका था सयाबुद्दीन मोहम्मद जो गजनी के शासक बनते हैं, और इतिहास में जो हम लोग जानते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, जो इतिहासकार जानते हैं, वो ये कि इनका जो दूसरा नाम था इतिहास में जो इनको लिया जाता है, मोइनुद्दीन मोहम्मद साम के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, सयाबुद्दीन मोहम्मद, एक नाम ये, इस नाम से, ये नाम तो था कि जब ये गजनी के शासक थे,
और ये नाम इतिहास में है कि इस नाम से हम इन्हें जानते हैं। दूसरा बड़ा भाई, बड़ा भाई कौन था इनका, ये गयासुद्दीन मोहम्मद। इसकी मृत्यु होने के बाद, क्योंकि ये गौर के शासक थे, तो उन्हें वहां का भी शासक साम्राज्य मिल जाता है, गौर का भी शासक बन जाते हैं। कौन? छोटे भाई। छोटे भाई जिनका नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद शाम कह सकते हैं, या शिहाबुद्दीन मोहम्मद कह सकते हैं। ये अब गौर के भी शासक बन जाते हैं। गजनी और गौर दोनों क्षेत्रों के शासक बनने के कारण ये मोहम्मद गौरी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? मोहम्मद गौरी के नाम से जाने जाते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप समझने की कोशिश करना कि मोहम्मद गौरी का नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद भी है, और इतिहास में मोइनुद्दीन मोहम्मद शाम भी है, और मोहम्मद गौरी के नाम से, जब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मोहम्मद गौरी के नाम से ये गौर और गजनी के शासक बन जाते हैं। तो इनके तीन नाम हमें इतिहास में अब मिल जाते हैं। जो भी प्रश्न पेपरों में पूछे जाएंगे वो इन्हीं के आधार पर पूछे जाएंगे, बाहर से तो क्वेश्चन बनते ही नहीं। जो मेरा मानना यह है कि बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो भी घटनाएं इनके शासन के दौरान घटित होती हैं, उन्हीं से इतिहास में या पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो इनके लेख हों, या इनके सिक्के हों, या इनके साहित्य से संबंधित घटनाएं हों, या इनके विदेशियों के विवरण, भाई पुरातात्विक, साहित्य और विदेशियों के विवरण। इन तीनों के ही आधार पर इतिहासकारों ने इनका इतिहास लिखा है। अगर हमें इनके, जैसे जिस प्रकार प्राचीन काल में तो हमें अभिलेख मिलते थे, ताम्रपत्र मिलते थे, और स्तंभ लेख मिल जाते थे, उनसे हमारे इतिहासकारों ने इनके शासन, राजा, उनका समय, उनके विद्वान, उनसे, और इनके समय में जो विद्वान होते थे उनके, जो वो साहित्य लिखते थे, पुस्तक लिखते थे, जिसके वो रचनाकार होते थे, उसमें वो राजा का नाम, उनका समय, उन्होंने किस पर विजय प्राप्त की, उन्होंने क्या क्या उपाधियां धारण की, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके साहित्य में भी लिखे होते हैं, तो उनसे वो साक्ष्य है। और उस समय जो भ्रमण के लिए आते थे विदेशी, उनके द्वारा, विदेशियों भी तो अपने किताब कापियों में लिखते थे कि भाई हम वहां पे गए हैं, हमने वहां पे ये चीज देखी, हमने वो राजा देखा, उसका समय देखा, उसके समय में ये घटनाएं घटित होती थी। तो इस प्रकार हमारा इतिहास जो लिखा हुआ है शासकों का, चाहे वो प्राचीन काल में हो या मध्यकाल में, इसी प्रकार इनका इतिहास लिखा हुआ है। तो अब हमें इतिहास में मोहम्मद गौरी के तीन नामों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जानते हैं भाई, ये जो जानकारी थी ये थी गौरी वंश से संबंधित। अब हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार से अपना शासन किया। तो मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में ये राजा बनते हैं, और 1206 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये शंसवनी वंश के शासक थे। अब हमें यहां से इनके वंश के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि ये शंसवनी वंश के शासक थे। इन्होंने भारत में किस प्रकार से अब हमला करने के लिए रास्ता ढूंढा, तो वो था बोलंदर्रा। भाई जिस प्रकार तुर्की भारत में आए थे, जैसे कि अरब आए, अरब मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे, मरुस्थल प्रदेश के समतली इलाके से जट्टा देवल पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, उसी प्रकार अब ये भी ये आए थे बोलंदर्रे के रास्ते से, ठीक है। बोलंदर्रे के रास्ते से मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश करते हैं, और इनका पहला जो आक्रमण होता है, पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का, वो मुल्तान और कच्छ। मुल्तान, ये कच्छ जो है, कहीं कहीं पर इसका नाम उच्छ भी मिलता है, उच्छ और कच्छ, इसलिए मैंने कच्छ के साथ में आपको उच्छ भी बोल दिया। तो पहला आक्रमण मुल्तान और कच्छ पर होता है। इसका शासक कौन था उस समय? इसका शासक करमपंथी जाति के इस्माइलियों का शासन था, यानी करमपंथी जाति के जो इस्माइलिया थे, ये जो मुसलमान लोग हैं इन्हें विधर्मी विधर्मी मुसलमान मानते थे। तो किन का शासक कहां पर था? मुल्तान और कच्छ में था।
1178 में इसी क्रम में फिर वो आगे बढ़ते हैं। पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है और 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर आक्रमण करते हैं धन लूटने की इच्छा से और साम्राज्य विस्तार की इच्छा से। ये 1178 में गुजरात पर आक्रमण करते हैं और चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने जब ये आक्रमण करते हैं गुजरात पर तो मूलराज द्वितीय के द्वारा इन्हें आबू पर्वत के निकट या तलहटी में मोहम्मद गौरी को ये हरा देते हैं। कौन हराते हैं? मूलराज द्वितीय। इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है और यही मोहम्मद गौरी की भारत में होने वाली प्रथम हार थी। तो कब हुई थी ये हार? 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय जी के द्वारा आबू पर्वत की तलहटी में उसे यानी मोहम्मद गौरी को हराया था। हारने के बाद भी ये 1182 ईस्वी में सिंध के निचले हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं। ये नहीं मानते, ये अब गुजरात की तरफ से नहीं तो अब सिंध की तरफ से ये भारत पर आक्रमण कर देते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं और कामयाब भी होते हैं। ये सिंध पर, सिंध के निचले इलाकों पर ये अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में ये क्रम आगे बढ़ता है और 1186 ईस्वी में ये पंजाब के शासक, अब ये पंजाब क्यों सिंध के बाद में ये पंजाब में प्रवेश करते हैं और 1186 ईस्वी में पंजाब के शासक थे उस समय खुसरब को ये क्या करते हैं, छल के द्वारा, सीधा आमने सामने नहीं, छल के द्वारा मोहम्मद गौरी उसको कैद कर लेते हैं और उसके राज्य पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं। पंजाब पर अधिकार करने के बाद में ये 1191 ईस्वी में अजमेर की तरफ बढ़ते हैं और अजमेर में शासन था पृथ्वीराज चौहानों का, चौहान वंश का उस समय शासन था। तो 1191 ईस्वी में ये तराइन के प्रथम युद्ध होता है, क्या? तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध होता है और इसमें भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हार जाते हैं और तीर लगने से घायल हो जाते हैं। लेकिन एक गौरी जो सिपाही था वो मोहम्मद गौरी को बचाकर ले जाते हैं, ठीक है। अब 1191 तराइन के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने अलग से गौरी वंश से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी वो उनके बारे में जानने की या आपको बताने की कोशिश की है। तो 91 में मोहम्मद गौरी हारते हैं और इस हार का बदला लेने के लिए ही अगले वर्ष पृथ्वीराज चौहान इन्हें छोड़ देते हैं, इनका पीछा नहीं करते और जाने देते हैं। इसी के बाद में ये इस हार का बदला लेने के लिए तुरंत अगली साल तराइन का दूसरा युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा और उन्हें बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मोहम्मद गौरी के द्वारा चौहान राजवंश पर किया गया दूसरा हमला था, यानी पहला तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर है और दूसरा भी तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से मशहूर है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठाकर लेकर आ जाते हैं शादी करने की वजह से, तो इससे क्रोधित होकर ये मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करते हैं और तराइन के प्रथम युद्ध में तो वो हार जाते हैं लेकिन द्वितीय युद्ध में जब वो जीत जाते हैं इससे जयचंद खुश तो होते हैं कि भाई चलो वो हार गए, क्योंकि वो कन्नौज के राजा थे उस समय जयचंद, इस पे जब ये खुश तो होते हैं भाई अब तो चौहान हार गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसी क्रम में आगे बढ़कर अगला हमला, जो अगले वाला आक्रमण होगा वो जयचंद पर भी होगा। ये उनकी सबसे बड़ी इतिहास में होने वाली मूर्खता थी,
उसे इन्होंने आमंत्रित नहीं करना था। अब तो वो गौरी से लड़े थे, चौहानों से लड़े थे, पृथ्वीराज से, अगला जयचंद से ही वो हमला करते हैं। लेकिन हमें जानना है गौरी से संबंधित घटनाएं, क्योंकि जो कि मोहम्मद गौरी के समय में घटित हुई थी, और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, पृथ्वीराज का जो प्रमुख सेनापति ना उस समय, पृथ्वीराज का प्रमुख सेनापति जो था उसका नाम था स्कंद। स्कंद उस समय कहीं और युद्ध में व्यस्त था। स्कंद उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ में नहीं था। इसी का फायदा उठाकर 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी पृथ्वीराज को हरा देते हैं। इनके बाद में पृथ्वीराज का जो पुत्र था विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव, कुछ समय तक इनके अधीन शासन करते हैं, और उसके बाद में फिर तुर्कियों का ही अधिकार हो जाता है। उस समय क्या होता है कि विग्रहराज चतुर जो था विशलदेव, ये अजमेर में एक विद्यालय बनाया था इनके द्वारा, किसके, विशलदेव जी के द्वारा एक विद्यालय का निर्माण किया गया था। लेकिन ये क्या करते हैं, उसे मस्जिद में 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल देते हैं, मस्जिद में बदल देते हैं। ये चीज आपने याद रखना। अब ये घटनाएं क्यों संबंधित हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों संबंधित है, क्योंकि इनके सेना में जो सैनिक थे वो भी तो प्रमुख सेनापति थे, योद्धा थे। अब ये तो है ना कि भाई मोहम्मद गौरी ही डायरेक्ट चले गए, उनके साथ में और भी योद्धा भी थे जो युद्ध में गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने इस मंदिर, इस विद्यालय को, अजमेर के उस विद्यालय को 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से उसे मस्जिद में ये बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेनापति बदलते हैं उस समय जो सत्ता होती है वो मोहम्मद गौरी की ही होती है। इसके बाद में 1193 ईस्वी दिल्ली और अजमेर पर उस समय चौहानों का राज था, तो 1193 ईस्वी में अब दिल्ली जो था वो मोहम्मद गौरी की राजनीतिक सत्ता का केंद्र हो गई थी। अब मोहम्मद गौरी दिल्ली से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगे थे। इसके बाद में 1194 ईस्वी, जो मैंने अभी बताया कि पहले हुआ था चौहानों पर, उसके बाद अब कन्नौज के शासक जयचंद पर ही, गढ़वाल शासक जो थे, 1194 ईस्वी में ये कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करते हैं, और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंद्रावर का युद्ध, याद रखना इतिहास में 1194 का जो युद्ध है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, यह चंद्रावर के मैदान में हुआ था, इसलिए इसे चंद्रावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जयचंद हार जाते हैं। अब कन्नौज पर भी गौरी का अधिकार हो जाता है। अब इनका जब यहां पर शासन था तो ये कुछ सिक्के भी उस समय अपने साम्राज्य में चलाते हैं, और वो सिक्के किस प्रकार से होते हैं कि इनके जो सिक्के थे उन पर एक तरफ तो कलमा खुदा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की आकृति इनके सिक्कों पर अंकित थी। जिस प्रकार महमूद गजनबी के सिक्कों पर सरस्वती देवी की आकृति और कलमा खुदा था, उसी प्रकार इनके सिक्कों पर भी कलिमा खुदा था और लक्ष्मी देवी की आकृति इनके सिक्कों पर अंकित थी। इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई का राज्य मिलता है। क्यों, इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद गौरी को उनका राज्य भी मिल जाता है, क्योंकि उनके कोई भी संतान या उत्तराधिकारी नहीं था। 1203 में उनको इनके बड़े भाई का भी
साम्राज्य मिल जाता है। क्यों मिल जाता है वो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसके बाद में इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति कौन कौन थे? ताजुद्दीन, यल्दोज, कुबाचा और ऐबक। इनके तीन शक्तिशाली और ताकतवर सेनापति थे। क्या थे कि महमूद मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, और इन्हें इनका भाई का भी साम्राज्य मिल जाता है, तो इनके यही तीनों सेनापति इनके साम्राज्य को तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं। यानी इनके जो सेनापति हैं वो तीन भागों में इनके साम्राज्य को बांट देते हैं। इनका जो वरिष्ठ सेनापति था उसका नाम था ताजुद्दीन यल्दोज, जो कि उसको क्या क्या चीजें मिलती हैं, गजनी और गौर का क्षेत्र इनको मिल जाता है। अब ये सेनापति नहीं रहे थे मोहम्मद गौरी के बाद में, ये अब गजनी और गौर के शासक बन जाते हैं। इसके बाद में क्वाचा जो इनका सेनापति था उसको सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिलता है। अब इनके अधिकार में सिंध और मुल्तान आ जाते हैं। इनके बाद में बचते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, लाहौर और आगरा का क्षेत्र मिलता है। यानी आने वाले समय के कुतुबुद्दीन ऐबक ही इस क्षेत्र के राजा बनते हैं, और कुतुबुद्दीन के द्वारा ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा, लेकिन समय उस समय मोहम्मद गौरी का था, ठीक है ना। वही आक्रमण करते हैं, तो उसके जो मंदिर था ना, विद्यालय, अजमेर का जो विद्यालय, इसे ये मस्जिद में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या, और ऐबक ने ही तुर्क राजवंश की स्थापना की थी। तुर्क राजवंश की स्थापना करने वाले पहले ऐबक ही थे। और इनमें से कौन कौन से राजवंश निकल कर आते हैं जो इतिहासकार इनको नाम देते हैं, इतिहासकारों ने इनका क्या क्या नाम दिया है, इनको गुलाम वंश, दास वंश, इलवरी वंश और मामूलक वंश के नाम से ये जाने जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटनाएं थी ये मोहम्मद गजनबी से संबंधित, मोहम्मद गौरी से संबंधित घटनाएं थी कि उनके शासन के दौरान किस प्रकार से घटना घटी। अब एक नजर हम उनके युद्धों के ऊपर डालते हैं कि आखिर जिस समय इन्होंने अपने ये सैनिक अभियान किए थे तो आखिर इनका सामना किन किन शासकों से और किन किन क्षेत्र के ऊपर और किन किन समय पर हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला जो हुआ था 1175 ईस्वी में कर्माथी शासक मुल्तान पर इनका आक्रमण हुआ था और इस युद्ध को ये जीत गए थे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर आपने देखा और यहां पर भी मैंने इसी प्रकार की जो इनकी घटना घटी थी वही। फिर 1176 ईस्वी में ये दोबारा आक्रमण करते हैं कर्माथी पर ही, लेकिन कच्छ और कहीं पर उच्च क्षेत्र मिलता है, उच्च क्षेत्र था, इस युद्ध को भी ये जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी। इसके बाद में 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर, जिसका कहा था अहिल्याबाद, इनका भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में ये भीम द्वितीय अहिल्याबाद पर युद्ध करते हैं और इनकी पहली पराजय होती है, ठीक है। इसके बाद 1189 ईस्वी में ये आक्रमण करते हैं मलिक खुसरो पर, जो कि पेशावर के, उस समय पेशावर के शासक थे, इस पे भी इनकी विजय होती है। 1181 ईस्वी में मलिक खुसरो दोबारा से इनका क्या, लाहौर के ऊपर इनकी लड़ाई होती है, इसे भी ये जीत जाते हैं। फिर 1182 में इनकी लड़ाई होती है सुमर शासक से, जो कि देवल और सिंध के शासक थे, इस पर भी मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इसके बाद 1185 ईस्वी में
दोबारा ये मलिक तिवारा, मलिक खुसरो से ही लड़ते हैं, मलिक खुसरो यहां 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 सियालकोट, यानी मलिक खुसरो के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पर मोहम्मद गौरीकीन से टकराव होता है, इस युद्ध को भी ये जीत जाते हैं। इसके बाद 1186 ईस्वी में फिर मलिक खुसरो से होते हैं लाहौर के ऊपर, उसे भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। 1189 ईस्वी में चौहान शासक, चौहान सूबेदार थे, कहाँ का क्षेत्र था, भटिंडा का क्षेत्र था, इसे भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान अजमेर में इनकी पराजय होती है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान, क्षेत्र था अजमेर, इसमें ये जीत जाते हैं, क्या गौरी इस युद्ध को जीत जाते हैं। 1194 में युद्ध होता है जयचंद से, जो कि कन्नौज के राजा थे, इसे मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। 1195 और 96 में ये कुमारपाल शासक थे बयाना के, बयाना क्षेत्र पे इनकी लड़ाई होती है, इसे मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और 1196 ईस्वी में सुलक्षण पाल से युद्ध होता है, जो कि ग्वालियर क्षेत्र के ऊपर था, इसे भी मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, उनके शासन से संबंधित और उनके युद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, उनके समय की और किन किन से उन्होंने युद्ध किया, किन किन क्षेत्रों पे किए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारियां गौरीवंश से संबंधित मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।